इकी गाय जैपनीज़ फार्मूला फॉर हैप्पीनेस यानी इक क्या होता है इसकी हिस्ट्री क्या है ये आज हम जानते हैं द कंसेप्ट ऑफ इक्की सजेस्ट दैट वन इंडिविजुअल्स फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ वट दे लव वट दे आर गुड एट एंड वट द वर्ल्ड नीड्स एंड वट दे कैन बी रिवॉर्डेड फॉर दे कैन डिस्कवर अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग एंड हैप्पीनेस यानी अगर आपको ये पता चल गया कि आपको क्या अच्छा लगता है आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और लोगों को क्या चाहिए और आपको किस चीज़ में ज़्यादा पैसे मिलते हैं यानी आपका मिशन आपका पैशन आपका प्रोफेशन आपका वोकेशन इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है उसको इकीगाई कहते हैं राइट इकीगाई इज़ अ जापनीज कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द द थिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन मिशन वोकेशन एंड प्रोफेशन दैट गिव्स अ पर्सन अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड पर्पज़ इन लाइफ द टर्म इक्की गायज़ डराइव फ्राम द वर्ड्स इक्की मीन्स लाइफ एंड गाय मीन्स वैल्यू और वर्थ यानी जिंदगी की जो पहचान है जिंदगी की जो वर्थ है वर्थ इट उसको कहते हैं इकी गाय और इसमें ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या कौन कौन से फोर एलिमेंट्स हैं जी इसके सबसे पहले पैशन दिस इज़ वॉट यू लव टू डू वाट ब्रिंग्स यू जॉय जो काम करके आप कभी थकें ना जो काम करके आप खुश रहें वो आपका पैशन होता है मिशन क्या है द कंट्रीब्यूशन यू वॉन्ट टू मेक टू द वर्ल्ड योर वैल्यूज एंड द कॉज यू बिलीव इन या आपका वोकेशन आपका विजन होता है आपका मिशन होता है वोकेशन क्या है दिस रेफर्स टू योर प्रोफेशन और द एक्टिविटीज़ दैट यू एक्सेल इन एंड दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ गिप्लमेंट एंड फुलफिलमेंट आप किस काम में प्रोफेशनली बहुत साउंड हैं उसको वोकेशन कहेंगे प्रोफेशन योर प्रोफेशन इज वाट यू कैन बी रिवॉर्डेड फॉर द स्किल्स और टैलेंट दैट अदर्स आर विलिंग टू पे फॉर और रिकोगनाइज कई बंदे जिन्होंने सी ए किया होता है वो नंबर्स के खिलाड़ी होते हैं कई बंदे जिन्होंने एम बी ए किया होता है वो सेल्स करते हैं मार्केटिंग करते हैं कई बंदे जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती हैं वो इंजीनियर्स होते हैं तो ये तमाम प्रोफेशनस होते हैं अब अगर इन चारों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर सकती है एनी थिंग दैट कॉज़ यू टू बी प्रेजेंट यानी कि आप प्रेजेंट में रहें ना पास्ट के बारे में सोचते रहें ना फ्यूचर के बारे में सोचते रहें समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स यानी कि लोगों को इसकी ज़रूरत है लव की स्किल्स की नीड्स की मनी की और समथिंग दैट पेज यू वेल यानी कि आपको अच्छा भी वो पे कर रहा होता है एनी थिंग दैट कॉज यू टू बी प्रेजेंट जो आपको हाजिर में रखे जब आपको प्रेजेंट में रखे समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स समथिंग दैट पेज यू वेल समथ दैट यू आर गुड एट तो इसको कहते हैं इकिकाय उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अपने फीडबैक से जरूर आगा कीजिएगा आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया